मध्य रात्रि का समय, प्रसाद उठकर टॉर्च लाइट चलाते हैं। अजी, क्या हो गया आपको? इस रात में जरूरत नहीं, पता नहीं वो अहंकारी बैल आके हम पे हमला ना कर दे। शारदा, अहंकारी बैल के डर से हम घर पे हैं। उधर खेत के जमीन पे सुखाड़ पड़ रहे हैं, खेत के फसल पूरी तरह सूख गए हैं। हम क्या खाएंगे तुम ही बताओ। आपने जो कहा सही है, मैंने ना कब कहा, पर जिंदा रहना भी तो जरूरी है। अगर मैं मर भी गया, कम से कम फसल तुम्हें मिलेंगे। एक साल तक तुम्हें फसल नहीं खरीदने होंगे, जो है काफी है। कम से कम उन्हें ही पका के नमक मिर्च डाल के तुम खा के जिंदा रह सकती हो। ऐसा मत कहिए जी, मैं बेटे को जाके जगाती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने बेटे के कमरे के पास जाती है। वहाँ बेटे के कमरे में अनामिका और रमेश के बीच महायुद्ध चल रहा था। अनामिका के हाथ में एक टॉर्च लाइट थी। शारदा उनकी बातें सुनने के लिए रुक जाती है। देखो अनामिका, मैं खेत नहीं जाऊंगा, मुझे जबरदस्ती बिल्कुल मत करो। अकेले तो आप नहीं जा रहे हैं ना, साथ में पिताजी भी जा रहे हैं, तो आप भी पिताजी के साथ चाहिए ना। अरे अनामिका, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? इस अंधेरे में जाने के दौरान वो बैल आके मार दिया तो? अस्पताल ले जाके मलहम पट्टी करवा देंगे। देखो अनामिका, मुझे अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना है, मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ बस। अगर पिताजी भी इस तरह सोचने लगे तो? पूरी तरह से फसल पक चुकी है, आखिरी बार पानी देने का वक्त है, नहीं तो जितने फसल है सारे बर्बाद हो जाएंगे। इतने दिनों का जो कड़ी मेहनत थी वो सारी बर्बाद हो जाएंगे। अनामिका इस तरह कहती है। उसके समझाने के बावजूद रमेश चुपचाप खड़ा रहता है। ये सब देखकर शारदा प्रसाद के पास लौट आती है। बेटे बहू में लड़ाई हो रही है, बेटा आपके साथ नहीं जाना चाहता है, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं शारदा, तुम घर पे ही रहो। इतना कहकर वो टॉर्च लेकर हॉल के तरफ निकल आते हैं। उधर अनामिका भी अपने पति को बार बार समझाने के बावजूद जब वो नहीं समझ पाते हैं तो वो परेशान होके अपने कमरे से बाहर निकल आती है। पिताजी मैं भी चलती हूँ, एक मिनट। उसके इस तरह कहने पे रमेश कमरे से बाहर निकल आता है। फिर बिना कुछ जवाब दिए अनामिका के हाथ से टॉर्च लाइट लेके वो आगे आगे चलने लगता है। प्रसाद रमेश के पीछे पीछे जाने लगते हैं। मिट्टी वाला सड़क, चारों तरफ बहुत ही भयानक अंधेरा, चलते हुए वो दोनों आगे जाने लगते हैं। इतना समझाने के बाद भी सुने नहीं, खेत में पानी देने के लिए निकल गए। अब इस अंधेरे में हम चारों तरफ देखते हुए जा रहे कि कहीं वो घमंडी बैल हमारे तरफ ना भाग के आए। इस तरह वो कहते हुए आगे जा ही रहे थे, उधर पूरा गांव एक चट्टान के पास इकट्ठा होके खड़े थे। उन सभी को देखते हुए दामोदर नाम का एक आदमी जो चेयर पे बैठा हुआ था वो कहते हैं, हमें पता नहीं कहां से और कब वो बैल आया, पर वो अहंकारी बैल गांव में घुस गया है और घुस के पूरी तरह से वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। हम सभी के खेतों के फसल को वो नष्ट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सामने आता है उसे वो मारता भी है। सामने से जाने वाले को सिंह से उठा के उसे दूर फेंक देता है। ऐसे बैल से बचने के लिए हम क्या करें? प्रसाद जी, ऐसा कहिए जो कर सकते हैं। अरे दामोदर जी, हम गांव की समस्या आपके पास ले आए हैं, अब आप हमारी समस्या सुन के इसका कुछ समाधान बताएं। बहन शारदा, अब एक समाधान तुम ही दो, क्योंकि दिन रात के अंतर देखे बिना ये बैल हमारे यहाँ आकर परेशान कर रहा है। भाई साहब, किसी को भी हिम्मत नहीं इस गांव में उस बैल के साथ आमना सामना करने का, पर उसके लिए एक काम हम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? बहू, जो तरकीब तुमने मुझे बताई है गांव वालों को भी बताओ। ठीक है माँ जी। निसंकोच होकर बोलो। कैसे भी हम उस आक्रमी बैल के साथ आमना सामना तो नहीं कर सकते हैं, पर अगर हम उसके गले में कोई घंटी बांध दे तो जब भी वो हमें आक्रमण करने आएगा तो हम भाग जाएंगे और इस तरह से हम सारे गांव वाले अपनी जान बचा लेंगे। बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, पर उस बैल के गले में घंटी कौन बांधेगा? जिसने ऐसी तरकीब दी है वही जाके बांधे। अब रमेश ने सारे गांव वालों के सामने इस तरह से कह दिया तो सारे गांव वाले भी यही कहने लगे
कि अनामिका को ही बांधना पड़ेगा। अनामिका इस बात को स्वीकार लेती है। फिर एक दिन अनामिका बैल के गले में घंटी बांधने के लिए बैल जहां था उस खेत की तरफ जाती है। जब वो बैल सोएगा मैं जाके उसके गले में घंटी बांध दूंगी, ऐसा सोचते हुए वो जाती है। तभी वो देखती है कि बैल एक पेड़ के नीचे सो रहा है। अनामिका बड़े ही धैर्य के साथ घंटी की आवाज ना हो ये देखते हुए धीरे धीरे बैल के पास जाती है। अचानक से वो बैल अपनी आंखें खोल के देखता है कि उसके गले में घंटी बांधने के लिए अनामिका सामने खड़ी है। उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। लगता है आज मेरी मौत तय है। अनामिका तुरंत हाथ से वो घंटी फेंक देती है और भागने लगती है। इसी के साथ बैल भी गुस्से से उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लंबी लंबी सांसें लेते हुए डर के मारे अनामिका आगे आगे भागने लगती है। अजय, इस बैल से लड़के तो मेरी मौत तय है, सब लोग जान लीजिए। इतना कहकर वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। जमीन पे पड़े हुए अनामिका को देखकर वो बैल उस पे आक्रमण करने के लिए तैयारी होता है। तभी अनामिका जोर जोर से रोने लगती है। अनामिका जब इस तरह से रो रही थी तब तक वो बैल अनामिका के ऊपर कूदने ही वाला होता है। इस बीच एक गाय आ जाती है और बैल को कूदने से वो रोक लेती है। बैल उठता है और गुस्से से गाय को देखकर उससे भिड़ने के लिए चला जाता है। गाय भी उस बैल को देखकर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाती है। बैल जोर जोर से सांसें लेता है और गाय को सिंग से मारता है। गाय को बहुत जोर से चोट लगती है। जमीन पे गिरी गाय रोने लगती है। अब चूंकि बैल का सारा गुस्सा निकल चुका था वो वहां से चला जाता है। अनामिका उस जख्मी गाय को लेकर अपने घर जाती है। शारदा, प्रसाद, रमेश पशु के डॉक्टर को बुलाकर उसकी इलाज कराते हैं। फिर 2-3 दिनों के बाद ही वो गाय फिर से पहले जैसे साधारण हो जाती है। अनामिका उस गाय को गौ माता के रूप में पूजा करती है। एक दिन शारदा और अनामिका डरते डरते अपने खेत के तरफ जा रही होती है। वहां देखती है कि वो बैल उनकी खेती को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। ये देखकर वो उस बैल के नजरों से बचते हुए चुपचाप भागते हुए घर लौट आती है। हाफते हाफते आकर वो आंगन में बैठ जाती है। ठीक उस वक्त वो गाय वहीं पे घास खा रही होती है। माँ जी, वो अहंकारी बैल तो हमारे पूरे खेत को नष्ट कर दे रहा है, अब हम क्या खाएंगे? घास बहू। वो दोनों ये चर्चा कर ही रही थी तभी प्रसाद और रमेश घर के अंदर से बाहर निकल आते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि उनके खेत को किस तरह से नष्ट किया जा रहा है। इस बात से वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। पर उस गाय से ये सब देखी नहीं जा रही थी। उस रात घर के सारे सदस्य बिना कुछ खाए भूखे ही सो जाते हैं। वो अहंकारी बैल उनके घर तक पहुंच जाता है। देखता है कि वो गाय वहीं पे बंधी हुई है। गुस्से से वो उस गाय के तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी वो गाय एक देवी का रूप धारण कर लेती है। ये देखकर वो बैल देवी के सामने आकर उसे नमन करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब अनामिका गौ माता की पूजा कर रही होती है अचानक से वो गौ माता देवी का रूप धारण करती है। अनामिका, आज के बाद से वो बैल तुम सभी गांव वालों को फिर से कभी परेशान नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अनामिका, जब से मुझे चोट लगी है तब से तुम मुझे बच्चे की तरह देखभाल कर रही हो। तुम्हारे मातृ प्रेम से मैं प्रभावित हूँ। तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अभिभूत हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, जरूर पूरी होगी। हे गौ माता, हमारी जीविका उस खेत से ही चलती है जैसा कि हमने फसल बोई थी, लेकिन उस अहंकारी बैल ने पूरे फसल को नष्ट कर दिया। मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे पति इस बात से बहुत परेशान है कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हाँ नामिका, ये देखकर तो मुझे भी बहुत ही दुख हो रहा है। इसीलिए तो अनामिका मैं तुमसे कह रही हूँ एक वरदान मांगने के लिए। इस तरह से कहने पर अनामिका को समझ में नहीं आता है कि उसे देवी माँ से क्या मांगना चाहिए। वो आश्चर्य होकर देखने लगती है। अनामिका, चलो एक साथ हम खेत देखने जाते हैं। जब तक तुम जीवित रहोगी वो खेत हमेशा रहेगा और वो बैल उस खेत की रखवाली करेगा। कहकर देवी माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उसी के साथ गाय भी अदृश्य हो जाती है। अनामिका खुश होकर प्रणाम करती है और घर के अंदर चली जाती है।
माँ जी, पिताजी, अजी सुन रहे हैं? क्या हुआ बहू, इतनी खुश क्यों हो तुम? क्या हुआ बेटा? बताओ अनामिका, गाय को पूजा करके क्या तुम्हें कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया? हाँ, गौ माता उससे भी बहुत कुछ ज्यादा दी है। फिर अनामिका पूरी कहानी शारदा प्रसाद रमेश को बताती है और सभी लोग एक साथ खेत में जाते हैं। वहाँ पूरा खेत सोने में बदल गया था और उस खेत की रखवाली कर रहा था वो बैल। सोने के उस खेत को देखकर सास बहू शारदा अनामिका, बाप बेटा प्रसाद और रमेश बड़े ही आश्चर्य होते हैं। माँ जी, गौ माता ने हमें वरदान दिया है। हाँ बहू, जीवन भर के लिए फसल दी है उन्होंने। जब चाहे इन्हें बेचकर पूरी जिंदगी हम अपना गुजारा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सुनहरे खेत की देखभाल के लिए उन्होंने उस बैल को रखा है यहाँ पे। सच में अनामिका, फिर तो हमें इस गौ माता की पूजा करनी चाहिए। तब से जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी वो फसल बेचकर अपना गुजारा करने लगे और देवी माँ की पूजा करके खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। वो अमेरिका, 31st नाइट, बहुत ही महंगा होटल, कलरफुल लाइट्स, मनमोहक गाना, आसपास का माहौल भी बहुत खुशनुमा। मॉडर्न पोशाक में अनामिका अपने दोस्त सुषमा और कीर्ति के साथ आनंद ले रही थी। हे, आज पार्टी मेरी है, जितना चाहे तुम लोग उतना पी सकते हो, मानो कि जियो जी भर के। बच्चे बूढ़े का कोई अंतर नहीं, पूरा आनंद लो। इस तरह कहकर वो पीने में व्यस्त हो जाती है। सुषमा कीर्ति भी पीती है और एंजॉय करती है। फिर होटल के अंदर में केक कटिंग सेरेमनी होता है। वहाँ पर आए अनामिका अपने सारी दोस्तों को गिफ्ट्स देती है। गिफ्ट्स पाकर सारी सहेलियाँ बहुत खुश होती हैं। ठीक उसी दौरान रिच सुदर्शन वहीं पे सोफे पे बैठकर अपने मोबाइल फोन को बड़े ही आश्चर्य से देख रहे होते हैं। उसकी पत्नी अंजलि उसके लिए कॉफी ले आती है। ऐसे आश्चर्य होकर देख रहे हो, क्या है वीडियो में जी? मैं अपने फोन पे वीडियो नहीं देख रहा हूँ अंजलि, अपनी बेटी अनामिका का क्रेडिट कार्ड बिल देख रहा हूँ। पिछले महीने के कंपैरिजन में बड़ा है कि घटा है? मामूली बढ़ा नहीं अंजलि, बहुत बड़ा है। कहकर वो अंजलि को अपना फोन दिखाते हैं। वो देखकर अंजलि, हमारी संपत्ति बहुत है, एकमात्र बेटी है, उसी का तो सब होगा, उसे जो इच्छा करने दो। आज वो हमारे साथ है तो इतना पैसा खर्च कर ले रही है, कल जब वो ससुराल जाएगी तो सोचा है क्या परिस्थिति होगी। मैं उसे कहीं नहीं भेजने वाली हूँ। अंजलि, मैं शारदा बहन को वादा कर चुका हूँ कि मैं अपनी बेटी को उनके घर बहू बना के जरूर भेजूंगा। इस बात से मैं हेर फेर नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। शारदा जी का मिडिल क्लास फैमिली है, एक छोटा सा घर है, मेरी बेटी उस घर में कैसे रहेगी? जरूरत है तो रमेश को यहाँ बुला लो। ये बात शारदा जी कभी नहीं मानेंगी, इसीलिए हमें ही अपनी बेटी की शादी करा के उनके घर भेजना होगा, उनकी घर की बहू बनना होगा उसे। आज तक क्या आपने मेरी कोई भी बात सुनी है? हाँ, अगर तुम समझदारी से बात करोगी तो ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम हर बात पे ऐसी बहस करोगी तो कैसे चलेगा। जब दोनों के बीच इस तरह की बातचीत चली रही थी, तभी अनामिका नींद से उठ के सीधा आके अपने पिताजी सुदर्शन के पास बैठती है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेबी। हाय मॉम। हाय अनु। मॉम, कॉफी। अभी ले आती हूँ बेटा, देख लीजिए, देख लीजिए, अभी तक इस तरह सोएगी तो शारदा दीदी मान लेगी, बताइए, सुबह सुबह चिल्लाएगी तो उठना पड़ेगा। मेरे दीदी के यहाँ भी अलार्म की घंटी बजती है अंजलि, तुम इसलिए चिंता मत करो। यहाँ हमारे पास ये महंगी महंगी कॉफी पीती है, वहाँ पे इसे ये महंगी कॉफी मिलेगी क्या? वहाँ के हिसाब से वो भी महंगी ही कॉफी पीते हैं अंजलि। आपसे कुछ कहना, कुछ बताना, लड़ना सब बेकार है। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। डैड, आप लोगों की आर्ग्यूमेंट सुन के मुझे लग रहा है कि आप लोग इंडिया भेज देंगे मुझे। यस बेबी, तुम्हारी सासू माँ शारदा के यहाँ। सिर्फ सासू माँ शारदा क्यों, मेरे पति रमेश भी तो होंगे वहाँ। तो तुम राम से शादी करने को तैयार हो ना? यस डैड, मुझे राम बहुत पसंद है। फिर हम कल ही इंडिया चलते हैं। श्योर डैड। दोनों के बीच इस तरह बातचीत चल रही थी, तभी अंजलि कॉफी लेकर वहाँ आती है। अंजलि,
तुम्हारे लिए गुड न्यूज, तुम्हारी बेटी अनामिका इंडिया जाने के लिए रेडी है। आपने कुछ सिखाया होगा। नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे राम बहुत पसंद है। इस तरह कहकर शर्माते हुए अनामिका वहां से चली जाती है। दो दिनों के अंदर ही अमीर सुदर्शन, अंजलि और बेटी अनामिका तीनों शारदा के घर पे आके बैठे होते हैं। वहाँ उनके सर के ऊपर एक पंखा घूम रहा होता है। यहाँ एसी नहीं आंटी। एक्चुअली तुम्हारी सासू माँ मिडिल क्लास है ना, इतना स्टेटस नहीं है एसी खरीदने का, इसीलिए शायद नहीं खरीदा। आंटी का नहीं हो सकता है, पर हमारा तो है ना, और यहाँ पे सब कुछ तो मेरा ही है। उसकी बातें सुन के शारदा, प्रसाद, रमेश, सुदर्शन सभी बहुत खुश होते हैं, पर अंजलि का मुंह बन जाता है। बेटा रमेश, तुम मेरी बेटी अनामिका से शादी करोगे ना? सुदर्शन के इस तरह से पूछने पे रमेश शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शारदा, प्रसाद, सुदर्शन सभी मुस्कुराते हैं। अनामिका भी शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लेती है। बहन जी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी थी। ठीक है भाई साहब, बगान में जाएंगे या फिर छत पे, आप बताइए। बस हमारी बातें कोई ना सुने, कहीं ऐसी जगह चलिए, फिर छत पे चलिए भाई साहब। इस तरह कहकर वो दोनों छत पे चले जाते हैं। वहाँ शारदा और सुदर्शन बातचीत करते हैं। वो अनामिका के बारे में सारी बातें खुल के बताना चाहते थे। शारदा स्वीकार भी लेती है। फिर एक हफ्ते के अंदर अनामिका और रमेश की बड़े ही धूमधाम से फंक्शन हॉल बुक करके ग्रैंड शादी होती है। अब मॉडर्न अनामिका नहीं रही, मिडिल क्लास परिवार की बहू हो गई, और मिडिल क्लास बहू के तरह वो साड़ी पहन के अच्छे से तैयार हो गई। अपनी बेटी को साड़ी में देखकर पिता सुदर्शन बहुत खुश होते हैं। पर अंजलि को ना ही यह शादी में मंजूरी थी और ना ही मिडिल क्लास फैमिली, इसीलिए उसका मुंह बन जाता है। बाय अनु, याद रखना, तुम्हारी सासू माँ शारदा मेरी दूर की बहन लगती है, वो जैसा कहेंगी उनकी बात सुनना, ठीक है ना? इस तरह सुदर्शन कहते हैं। फिर सुदर्शन खुशी खुशी अमेरिका लौट जाते हैं। यहाँ शारदा कैसे खाना पकाना है, काम करना है सिखाने लगी, और अनामिका भी वैसा ही करने लगी। एक दिन सास बहू जब सब्जियां लाने के लिए बाजार जाती है, अनामिका को पास में ही एक महंगी ज्वेलरी शॉप दिख जाती है। माँ जी चलिए इस दुकान में शॉपिंग करते हैं। हाय भगवान, ये तो बहुत महंगी दुकान है बहू, यहाँ की चीजें बस शीशे में ही देखना अच्छा लगता है, हम मिडिल क्लास है, हमें ये सब नहीं जचता है। चाहेंगे तो खरीद सकते हैं माँ जी। नहीं नहीं बहू, ये सब अभी हमें जरूरत नहीं है, रविवार बाजार लगेगा तो हम वहाँ जाके सस्ता आर्टिफिशियल जेवर खरीद के लाएंगे, चलो। ये सुनकर अनामिका का मुंह बन जाता है। चलो बहू। इस तरह कहकर शारदा आगे आगे चलने लगती है और अनामिका पीछे पीछे आने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद अनामिका को शीशे के अंदर लाइट्स में टंगा हुआ चमकीले कपड़ों का शोरूम दिखता है। कपड़ों का दुकान देखते ही अनामिका बहुत खुश हो जाती है। उसकी इच्छा होने लगती है कि शोरूम में क्या क्या है एक बार जाके वो देखे, और कुछ पसंद आए तो वो खुद के लिए खरीद ले। माँ जी हम कपड़े के दुकान जा सकते हैं ना? नहीं नहीं बहू, ये तो बहुत महंगा शोरूम है, यहाँ एक कपड़े का जितना भाव होगा उतना हमारे घर के बगल के छोटे दुकान में से तीन तीन साड़ियाँ आ जाएगी, और साड़ियाँ भी अच्छी अच्छी मिलती है, तुम अगर उन साड़ियों को पहनोगी ना बहुत सुंदर लगोगी बहू। वो बात नहीं है माँ जी, आप पैसों के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, डैडी मुझे कार्ड देकर गए हैं, कहा है कि जब जरूरत पड़े खर्चा करने के लिए। तुम्हारे पिताजी ने वो कार्ड दिए हैं इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए, যদি হঠাৎ করে শরীর টরীর খারাপ হয় আর আমাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে টাকার ব্যবস্থা না হয় তখন যেন ওই কার্ডগুলো ব্যবহার করা হয়। क्या माजी आपना हर बात पे कुछ ना कुछ बहाना दे रही है, तो ऐसा होगा फिर आप 31st नाइट कैसे सेलिब्रेट करेंगे, जरा मुझे भी बताइए। इसमें बताने का क्या है, हम घर पे मनाएंगे ना। इस तरह कह के वो अनामिका को घर वापस ले आती है। देखते देखते एक हफ्ता निकल जाता है। उस दिन 31st नाइट था, सारे लोग जगे हुए थे। ठीक 12 बजे रमेश केक ले आता है और हॉल के सेंटर टेबल पे लाकर वो रख देता है। शारदा बिल्कुल रात के 12 बज रहे हैं,
बहू चलो केक काटो। इस तरह कहने पे अनामिका केक्स पे लगे कैंडल्स को फूंकती है। सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय ओल्ड ईयर कहकर तालियां बजाने लगते हैं। अनामिका अब केक काटो। इस तरह रमेश के कहने पर अनामिका केक काटती है। रमेश केक लेके अनामिका के चेहरे पे लगा देता है। केक का एक टुकड़ा लेके वो अनामिका को खिला देता है। उसके बाद वो अनामिका को लेके घर के बाहर निकल आता है। अनामिका का ताकि ग्रैंड स्वागत हो इसीलिए वो अनामिका को ढेर सारे पटाखे देता है। अनामिका पटाखों को देखकर बहुत खुश होती है और सभी को एक एक करके जलाने लगती है। पटाखों की रोशनी से मानो आसमान जगमगा उठता है और ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इस तरह रिच अनामिका अपने नए मिडिल क्लास ससुराल में 31st नाइट सेलिब्रेट करती है। अनामिका अपने अमीर माता पिता के यहाँ हर त्योहार को बड़े ही लग्जरी में बड़े पैमाने पे मनाया करती थी, पर ससुराल आने के बाद जब उसे ससुराल वालों की आर्थिक परिस्थिति के बारे में पता चला तो यहाँ पर वो त्योहार उनके परिस्थिति के अनुसार ही मनाने लगती है। अमीर घर में पैदा होने का जो अहंकार अभिमान होता है अनामिका ने कभी भी किसी को नहीं दिखाया। जैसे उसके पिताजी ने उसे समझाया था अनामिका भी बिल्कुल उसी तरह अपने ससुराल में कभी किसी समस्या को उत्पन्न होने नहीं दिया और सभी के साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। आज की कहानी अमीर बहुरानी की 31st सेलिब्रेशन। नई कहानी के साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।